पहला भाग हमारी आकाश गंगा के रहस्य, गाया मिशन का परिचय। हमारी आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, एक विशाल और रहस्यमय जगह है। अरबों तारों से भरी हुई, इसमें हमारे अस्तित्व के रहस्य छिपे हुए हैं। इन रहस्यों को उजागर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी या ESA ने 2013 में गाया मिशन लॉन्च किया। गाया कोई साधारण टेलीस्कोप नहीं है, यह एक कॉस्मिक सर्वेयर है जो एक बहुत बड़े लेवल पर काम करता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसे शहर का नक्शा बनाना है जहां आप खुद रहते हैं और उसके सारे बिल्डिंग्स, पार्क्स और लोग कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं। यही चैलेंज गाया फेस कर रहा है, लेकिन गैलेक्टिक स्केल पर। इसका मिशन है हमारी आकाश गंगा का सबसे एक्यूरेट और कंप्लीट 3D मैप बनाना, जो आज तक कभी नहीं बनाया गया। दूसरा भाग अरबों तारों की गिनती, एक बिलियन स्टार्स का नक्शा बनाना। गाया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मिल्की वे में 1 बिलियन से ज्यादा स्टार्स की पोजीशंस, डिस्टेंसेस और मूवमेंट्स को चार्ट करना। यह ऐसा है जैसे एक ऐसे शहर की जनगणना करना जहां 1 बिलियन लोग रहते हैं। इसे अचीव करने के लिए गाया लगातार आसमान को स्कैन करता है और स्टार्स की पोजीशंस को बहुत ही प्रिसाइसली मेजर करता है। लेकिन गाया यही नहीं रुकता, यह एक स्टार की अपेरेंट पोजीशन में होने वाले छोटे छोटे शिफ्ट्स को भी मेजर करता है, जो अर्थ के सूर्य की परिक्रमा करने की वजह से होते हैं। इस फिनोमिनन को पैरालैक्स कहते हैं। इन शिफ्ट्स को मेजर करके गाया स्टार्स की डिस्टेंसेस को बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। तीसरा भाग ब्रह्मांडीय नृत्य कला, सितारों के नृत्य का अनावरण। स्टार्स की पोजीशंस और डिस्टेंसेस को जानना बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन गाया इससे भी आगे जाता है। समय के साथ स्टार्स को ऑब्जर्व करके यह आसमान में उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है। ये मूवमेंट्स, जिन्हें प्रॉपर मोशंस कहा जाता है, हमारी आकाश गंगा के भीतर स्टार्स के जटिल नृत्य को रिवील करते हैं। यह कॉस्मिक कोरियोग्राफी रैंडम नहीं है, यह मिल्की वे के भीतर काम करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस द्वारा नियंत्रित होता है। इन मूवमेंट्स का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स हमारी आकाश गंगा में मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान सकते हैं, जिसमें इल्यूसिव डार्क मैटर भी शामिल है। चौथा भाग अतीत में झांकना, आकाश गंगा के इतिहास का अनावरण। गाया का डेटा सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं है, यह एक टाइम मशीन है जो हमें मिल्की वे के पास्ट में झांकने की अनुमति देता है। स्टार्स की मूवमेंट्स को समय में पीछे की ओर ट्रेस करके एस्ट्रोनॉमर्स हमारी आकाश गंगा के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये गैलेक्टिक आर्कियोलॉजी स्टडीज से पता चलता है कि कैसे हमारी आकाश गंगा का निर्माण हुआ और अरबों वर्षों में कैसे विकसित हुई। वे अन्य गैलेक्सीज के साथ पास्ट कोलिजंस और उन प्रोसेसेस के बारे में क्लूज प्रदान करते हैं जिन्होंने मिल्की वे को उस मैजेस्टिक स्पाइरल में ढाला है जिसे हम आज देखते हैं। पांचवां भाग हमारी आकाश गंगा से परे, खगोल विज्ञान पर गाया का प्रभाव। हालांकि गाया का प्राइमरी फोकस मिल्की वे पर है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमारी आकाश गंगा से कहीं आगे तक है। स्टार्स की प्रिसाइज मेजरमेंट्स प्रोवाइड करके गाया एस्ट्रोनॉमर्स को फंडामेंटल एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेसेस की हमारी समझ को रिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। गाया के डेटा का उपयोग कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है, जो पूरे यूनिवर्स में डिस्टेंसेस को मापने के लिए टेक्निक्स की एक सीरीज है। यह कैलिब्रेशन यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को निर्धारित करने और डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझने के लिए क्रूशियल है। छठा भाग गैलेक्टिक एक्सप्लोरेशन का भविष्य, गाया की विरासत। गाया मिशन अभी भी जारी है और इसकी लेगेसी आने वाले दशकों तक एस्ट्रोनॉमी को शेप देती रहेगी। इसके डेटा रिलीजेस ने मिल्की वे की हमारी समझ में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसकी स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और एवोल्यूशन में अभूतपूर्व इंसाइट्स प्रदान करते हैं। जैसे जैसे गाया आसमान को स्कैन करना जारी रखेगा, ये हमारी आकाश गंगा
और उसके पार के यूनिवर्स के बारे में और भी रहस्यों को अनलॉक करेगा। इसका डेटा नई डिस्कवरीज को फ्यूल देगा, एग्जिस्टिंग थियोरीज को चैलेंज करेगा और एस्ट्रोनॉमर्स की आने वाली पीढ़ियों को कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा।